पैठाड़ी पावो पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 121 में भारी भरकम चट्टान में पेड़ आ जाने के कारण बाधित हो गया है, जिसके कारण चाकीसेण पावो पठारी से पौड़ी देहरादून जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारी चट्टान और पेड़ मुख्य मार्ग में आ जाने के कारण दोनों तरफ से आवाजाही ठप हो गई है, जिसके कारण यात्रियों को मायूसी से अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को मार्ग बाधित होने की सूचना मिल गई है, जिसको खुलवाने के लिए जेसीबी मशीनों को मौके पर भेज दिया गया है। मशीनें आएंगी, जेसीबी आ ही रही है, अब मैनुअल तो होगा नहीं, है मशीन से होगा, अब देखते हैं क्या प्रयास होता है। देखो इसका कोई अनुमान नहीं, एक पहली बात यह है कि यहाँ से आगे जो है तो रास्ता नहीं है, मशीन में आएगी तो उधर से भी लगेगी इधर से भी, क्या पता दो मशीन से हो, कोई अनुमान नहीं है, 4 घंटे भी लगते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश वछेती की रिपोर्ट।